क्यों? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पड़ा भागना, जबकि गुंडे माफिया अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग चुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। खबर उत्तर प्रदेश से। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे कद्दावर नेता जो सरकार में ओबीसी के बड़े चेहरे रहे, वह भाजपा के 12 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी का दामन छोड़कर चले गए? कहां उन्हें डर लगता था, किस बात का डर था? आज इसका ताजा उदाहरण केशव प्रसाद मौर्य को देखने को मिला, जब कल यानी शनिवार को अपने ही विधानसभा सिराथू पहुंचे। वहां उन्हें महिलाओं का जमकर विरोध झेलना पड़ा। अब शब्दों गालियों से नवाजा गया। जिस तरह का वायरल वीडियो सामने आ रहा है उसमें देखा जा सकता है, उंगलियों के इशारे से महिलाओं को चुप कराते हुए भी वायरल वीडियो में आप उन्हें देख सकते हैं। इससे बुरी स्थिति किसी की क्या हो सकती है? वह भी उस पार्टी के उप मुख्यमंत्री के साथ, जिसने सही गलत जो कुछ भी रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, सीए प्रोटेस्ट में निर्दोष छात्रों पर हॉस्टल में घुसकर लाठी बरसाने की बात रही हो, अपनी मनमानी करती रही हो, उसी पार्टी के एक राज्य के पिछड़ों के चेहरा उप मुख्यमंत्री जो कि अपने ही क्षेत्र में अपने ही समाज के लोगों को समझा न सके। आखिर लाख चुप कराने की कोशिश के बाद भी महिलाएं नहीं मानी तो उन्हें वहां से वापस निकलना पड़ा, या यूं कहें उन्हें भागना पड़ा। जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, आप उनकी पूरी वीडियो एक बार जरूर देखें। ज्ञात हो कि जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजू मौर्य, जो कि पिछले 4 दिनों से गायब हैं, उत्तर प्रदेश की मजबूत पुलिस उनको नहीं खोज पा रही है। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का परिवार से करीबी संबंध रहा है, परिवार से मिलने वहां पहुंचे। जिनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वहां की महिलाएं भाजपा के डिप्टी सीएम को देखकर खुश होने के बजाय क्रोधित हो गईं। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को एक मजबूत मुद्दा बना रही है। तो क्या इनका यह कहना कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उन्हीं के करीबियों को हजम नहीं हो रहा है? क्या कानून के राज के नाम पर दिखावा किया जा रहा है? योगी जी हो, केशव जी हो, या भाजपा के बड़े बड़े नेता हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाएं होती हैं, गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं होती हैं, उसमें यह दावा किया जाता है कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सभी गुंडा माफिया अपराधी भाग चुके हैं या उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। क्यों आखिर एक डिप्टी सीएम को इस तरह का दंश झेलना पड़ा? अगर सभी गुंडे माफिया भाग गए हैं तो अपराध क्यों दिखाई दे रहा है प्रदेश में? कहीं न कहीं ओबीसी के बड़े नेता इस बात को समझ चुके थे जो भाजपा छोड़कर चले गए। नहीं समझ सके तो केशव प्रसाद मौर्य। भारत मीडिया के लिए बलिया से शहजाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। Oh!
खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।